सुपरमैन और सुपरवुमन्स के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आज हम बात इनकी नहीं करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर फ्लूइड के बारे में। जी हाँ, जो हमारे यूनिवर्स में पाया जाने वाला सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। अब तो आप पहचान गए होंगे कि मैं हीलियम की बात कर रही हूँ, हीलियम। हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। क्या आपको पता है हीलियम को अर्थ पे डिस्कवर नहीं किया गया? हाँ, हीलियम को सन पे स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से 1868 में डिस्कवर किया गया था। इसका सिंबल HE है, जो हमारी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पे आता है, जिसका ग्रीक लैंग्वेज में हीलियस मतलब होता है और नॉर्मल लैंग्वेज में उसका मतलब होता है सन। अब हम सन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। सन तो सब जानते हैं, सूरज जिससे हमें रोशनी मिलती है। आपको पता है उस पे हर एक सेकंड में 800 किलो टन हीलियम प्रोड्यूस होता है। वाओ, अब मैं आपको इसके कुछ और मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ हीलियम के। अगर हम हीलियम को -273 डिग्री सेल्सियस तक भी कूल करें, तब भी वो सॉलिड में चेंज नहीं होता, बल्कि बन जाता है सुपर फ्लूइड। इसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाती है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको फ्लो करवाएं तो इन्फिनिटी तक ये फ्लो हो सकता है ना। जब मुझे पता चला तो मैं भी हैरान हो गई थी। अब अगर मैं बात करूं हीलियम की प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में ये गैस हल्की होने की वजह से बहुत कम देर तक रुक पाती है, क्योंकि ग्रेविटी इसको रोक ही नहीं पाती है। अब अगर मैं बता दूं आपको कि हीलियम एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सेकेंड नंबर पर आता है, और उसके जो शेल्स हैं इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। कैसा लगा आपको ये जानकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।